आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट को आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट को डिलीट करना बहुत आसान है, तो चलिए आप लोग को ले चलता हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे, बताता हूँ कि पेटीएम पोस्ट पेड अकाउंट को आप लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं। हम लोग अपने पेटीएम को ओपन कर लेंगे। पेटीएम को ओपन करने के बाद अब हम लोग सबसे नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे यहाँ पर लिख रहा है पोस्ट पेड लोन, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग देखिए, उसके बाद देखिए हम लोग का जो 12,000 का लोन है यहाँ पर, देखिए वो 12,000 का लोन हम लोग यहाँ पर दिखाएगा। सबसे नीचे हम लोग आ जाएंगे, अब लिख रहा कस्टमर केयर, अब लिख रहा कंटेक्ट कस्टमर केयर, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर लिख रहा है नीड हेल्प, उससे नीचे यहाँ पर लिख रहा है नीड हेल्प नॉन ऑर्डर, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पर लिख रहा है इशू विथ पोस्ट पेड लोन अकाउंट स्टेटमेंट, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर लिख रहा है आई वेंट क्लोज डिसेबल माई पोस्ट पेड लोन अकाउंट, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इशू है क्यों आप लोग बंद करना चाहते हैं इसको, तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले जो है कन्वर्टर फीस के ऊपर मैं हम लोग क्लिक कर देता हूँ। मैं इस रीजन से मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। उसके बाद इसको मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं यस कर देता हूँ यहाँ से, फिर इसको यस कर दूंगा। उसके बाद इसको ट्रिक लगा कर इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद इसको 1 महीने तक इसको यूज नहीं करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आप लोग का जो है ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो इसको मैं हमें सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर सबमिट करने के बाद हम लोग का 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम लोग का जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा।